हेलो दोस्तों, मैं हूँ विष्णु। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईलिड के अंदर जो डिजीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्जेनाइटल टोसिस। दोस्तों देखिए, इसमें कह रहा है कि इट इज़ ए रेयर कंडीशन। ये बहुत रेयर होता है, करेक्टराइज बाई एन एबनॉर्मल ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। आईलिड जो होती है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती है, मतलब क्या होती है, आईलिड गिरने लगती, गिरती है बार बार, एबनॉर्मली गिरती है। दैट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये जो ड्रॉपिंग आईलिड हो रहा है, ड्रॉप आईलिड गिर रही है, वो हो सकता है कि बच्चा जब जन्म लिया तब उसी के साथ ही ऐसा हो रहा हो, जैसे ही जन्म हुआ तभी उसको ये बीमारी हो गई हो, या बच्चा विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, हो सकता है कि 1 साल का बच्चा हुआ उसी के विद इन एक साल की उम्र में इसको हो रहा है। नेक्स्ट है, इस पिक्चर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि देखिए, ये वाली आँख इसकी बड़ी है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ये बच्चे में है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंजेनाइटल टोसिस। है कंजेनाइटल कोलोबोमा। ये क्या होता है? कोलोबोमा एक बीमारी का नाम है। कंजेनाइटल का मतलब बच्चों में, बच्चों में ये डिजीज होता है तो हम उसे कहते हैं कंजेनाइटल। बच्चों का मतलब कह सकते हैं कि जन्म से ही, है ना, तो जन्म से ही किसी को ये बीमारी होती है तो हम कहते हैं कंजेनाइटल कोलोबोमा। इसको डिटेल में समझते हैं। इट इज़ ए रेयर कंडीशन करेक्टराइज बाई फुल थिकनेस ट्रैंगुलर गैप इन द टिश्यू ऑफ द लिड। इसको एक पिक्चर की सहायता से समझिए। कहने का मतलब कह रहा है ट्रैंगुलर गैप आता है इसमें। ट्रैंगुलर गैप का मतलब कहने का ये है कि ये जो देखिए तिरछा टाइप का है ना, मतलब ये एक साथ है त्रिकोणा टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रैंगुलर शेप। ये टिश्यू में इसके थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और यहाँ पर ट्रैंगुलर शेप हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जेनाइटल कोलोबोमा। इस बीमारी को हम कोलोबोमा कहते हैं। अगर ये बच्चे के जन्म के साथ ही आती है तो उसे हम कॉन्जेनाइटल कोलोबोमा कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द एनोमली यूजली अगर नियर द नेजल साइड एंड इन्वॉल्व द अपर लिड मोर फ्रिक्वेंटली देन द लोअर लिड। कहने का मतलब ये नेजल साइड होता है। इसका नेजल साइड का मतलब क्या हो रहा है कि ये नाक की तरफ होता है ज़्यादातर, ठीक है, और क्या होता है अपर लिड में, ऊपर वाले में होता है ज़्यादातर होता है, मतलब 100 में 90% या 95% आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले आई लिड में होता है और नीचे वाले में 5% उम्मीद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक रिपेयर ऑफ डिफेक्ट। इसका जो ट्रीटमेंट, उसमें क्या क्या शामिल होता है, प्लास्टिक रिपेयर हम करा सकते हैं इसके डिफेक्ट को मैनेज कर। इट इज ए सेमी सर्कुलर फोल्ड ऑफ स्किन विच कवर द मीडियल कैंथस। इसको एक पिक्चर की सहायता से समझिए। देखिए यहाँ ईपी कैंथस है। ईपी कैंथस का मतलब क्या होता है? सेमी सर्कुलर यानी कि छोटा सर्कुलर, यानी कि मतलब सेमी मतलब हो गया आधा सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब हो गया गोला, यानी कि आधा गोला, फोल्ड ऑफ स्किन विच कवर द मीडियल कैंथस। ये देखिए मीडियल कैंथस को यहाँ से ऊपर कवर किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ईपी कैंथस। अगर हम वर्ड के हिसाब से भी देखें तो ईपी का मतलब होता है ऊपर, कैंथस का मतलब होता है कैंथस, जो वर्ड यूज़ किया गया कैंथस के ऊपर हो गया तो किसको कवर कर रहा है, मीडियल कैंथस को, तो दैट इज़ कॉल्ड ईपी कैंथस। नेक्स्ट, इट इज़ ए बायलेटरल कंडीशन। बायलेटरल का मतलब देखिए दोनों, लेटरल का मतलब दो भागों में बटा, इसको अगर हम बांटें तो दोनों जगह है, मतलब इधर भी है और ये दोनों कंडीशन में होता है जनरली। इसके बाद आता है क्रिप्टोथेलमोस। क्रिप्टोथेलमोस क्या होता है? इट इज़ ए वेरी रेयर एनोमेलिटी। एनोमेली का मतलब होता है अवैधता, इन विच लिड्स फेल टू डेवलप एंड स्किन पासेस कंटिन्यूसली फ्रॉम द आईब्रो टू द चिक हाइडिंग द आईबॉल। इसको फिगर की सहायता से समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इट इज़ ए वेरी रेयर एनोमेली होता है, ये जो होता है बहुत रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलते ऐसे केस, ठीक है। इन विच, जिसमें लिड्स फेल टू डेवलप, लिड जो होती है वो डेवलप नहीं होती है, फेल हो जाती है। स्किन पासेस कंटिन्यूसली, स्किन जो होती है आईब्रो की वहाँ से पास होती है टू चिक द हाइडिंग द आईबॉल। और आईबॉल जैसा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि स्किन जो होती है लिड वाली डेवलप नहीं होती, जो आईब्रो जहाँ पे होता है वो डेवलप करके चिक में पक जाती है। जैसे ही चिपकती है क्या हो जाता है, आईबॉल आपका ढक जाता है, तो पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखने लगती है। क्रिप्टोप्थेल्मोस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोब्लेफ्रॉन। ये क्या होता है? इन दिस कंडीशन आईलिड आर एनोमली स्मॉल। एनोमली स्मॉल होती है, पिक्चर की सहायता से देखिए कैसे स्मॉल हो रही है। इसमें माइक्रो मतलब होता है छोटा, ब्लेफ्रॉन का मतलब हो गया कि लिड से संबंधित कुछ, जैसे कि होता है ना, तो ब्लेफ्रॉन हो गया, तो माइक्रो मतलब हो गया छोटा। एनॉर्मली का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि किसी शेप में हो, कहीं से भी छोटा हो गया उसका जिधर से मन किया। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे भी करके ये छोटा हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इन
इट इज यूजली एसोसिएटेड विथ माइक्रोफ्थेल्मस आर एनोफ्थेल्मस। इसके साथ क्या क्या शामिल होता है, माइक्रोफ्थेल्मस कह सकते हैं या एनोफ्थेल्मस कह सकते हैं शामिल होता है। माइक्रोफ्थेल्मस क्या होता है, सीवियर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ आई, है ना। सीवियर मतलब ये बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है आई का। ये भाई आई तो पूरी डेवलप करनी चाहिए लेकिन कहीं से सेल डिवीजन रुक गया, डेवलप नहीं कर पाई, उसको बोलते हैं माइक्रोफ्थेल्मोस, ठीक है, या एनोफ्थेल्मोस बोलते हैं। ब्लेफ्राइटिस क्या होता है, ब्लेफ्राइटिस इट इज़ ए सब सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से, सब एक्यूट का मतलब होता है कम समय से, सब का मतलब थोड़ा, ऑफ द लीड मार्जिन, यानी लीड मार्जिन पे किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन आ रहा है उससे भी आप जाकर देख सकते हैं इसको। इस पिक्चर में देखिए ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। ब्लेफ्राइटिस का मतलब आइटिस कई बार आ जाए तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, यानी ब्लेफ्रॉन में कहीं इन्फ्लामेशन है, दैट इज कॉल्ड ब्लेफ्राइटिस हम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आईब्रो पे कुछ चिपका चिपका सा पदार्थ, यहाँ पे वाइट टेस्ट है ना, तो अलग अलग तरीके का होता है, मतलब कुछ तो यहाँ पे जमा होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लेफ्राइटिस। अब ये नॉर्मल कंडीशन है ये वो शायद, आगे चलिए। इसमें कह रहा है इट इज एन एक्सट्रीमली कॉमन डिजीज, मतलब क्या होता है ये कि समझ बहुत 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 कॉमन होता है। अगर 100 में देखेंगे तो 95% उसमें मिल ही जाएगा सब में, 90-80-90% मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे नेक्स्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग क्लिनिकल टाइप्स, इसको हमने कई भागों में बांटा है, जैसे बैक्टीरियल ब्लेफ्राइटिस या स्टेफाइलोकोकल ब्लेफ्राइटिस, एक होता है सेबोरिक या स्क्वैमस ब्लेफ्राइटिस, स्टेफाइलोकोकल विथ सेबोरिक, यानी कि पहले दूसरे को मिस कर देंगे तो तीसरा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पोस्टेरियर ब्लेफ्राइटिस या मेबोआइटिस बोलते हैं इसको, मेबोमाइटिस, पैरासिटिक ब्लेफ्राइटिस।